तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आइए बिना किसी के शुरू करते हैं। वेलकम गाइस, आई एम उज्जवल। टुडे आई गोना शो यू फर्स्ट प्रोग्राम इन PHP। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले चलते हैं हमारे वेम्प सर्वर को, जिसको मैंने अभी तक ऑन नहीं किया है। ये देखिए, मैंने क्लिक किया, यस किया और ये सिग्नल रेड होने लगा, रेड येलो एंड देन ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। ये ब्राउजर है 127.0। देयर इज नो प्लेस लाइक 127.0.0.1 लोकल होस्ट। ये हमारा वेब सर्वर का साइट है। आइए हम अपने पाथ पे चलते हैं, सॉरी यहाँ से नहीं, फिर यहाँ से चलते हैं www डायरेक्टरी। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ट्यूटोरियल। इसके अंदर हम लोग इनपुट एंट्री जाते हैं और एक फाइल में बनाता हूँ, ये मेरा एडिटर है जो ज़्यादा हैकिंग में यूज़ किया जाता है, एटम एडिटर, जिससे मैं एक PHP का फर्स्ट फाइल बनाने वाला हूँ एंड देन इसको www डायरेक्टरी के ट्यूटोरियल फोल्डर में सेव करने वाला हूँ। सॉरी ये थोड़ा स्लो है। तो आइए नया फाइल बनाते हैं। मैंने फाइल पर क्लिक किया, न्यू फाइल। अब यहाँ हम लोग कुछ HTML के बेसिक्स लिखते हैं, HTML लाइक हेड देखिए, इसको मैं सेव करता हूँ www डायरेक्टरी के ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर, जिसको नाम मैं index.html दे देता हूँ, सॉरी index.php। आपको पहला फाइल .php के नाम से सेव करना है। अगर इंडेक्स करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस डायरेक्टरी के अंदर जाने पे ऑटो रन होता है। अगर आप कुछ और नाम देते हैं तो उस पर आपको क्लिक करके जाना होगा। ये आता है, फिर हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ट्यूटोरियल फोल्डर आ चुका है। ये इसके पीछे मैं 127.0.0.1/test ये आ गया आपका। और इसमें हम लोग कुछ भी बनाते हैं, कंट्रोल एस एंड पेज रिफ्रेश, ये HTML आ गया। बट अब PHP का कोड अगर आपको स्टार्ट करना है तो बॉडी के अंदर जाइए, HTML का सारा टैग एज वेल एज होगा, बॉडी के अंदर जाइए और ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन एंड स्टार्ट PHP, यस, और इसी टैग के साथ आप इसको बंद करें। इसके अंदर हम अगर हम लोग लिखते हैं ECHO echo PHP में प्रिंट करवाने के लिए, एक मैसेज को लाइक प्रिंट एफ होता है उस टाइप से प्रिंट करवाने के लिए मैसेज को होता है। इसके अंदर हम लोग डबल कोट में मैसेज लिखते हैं, दिस इज अ मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए,
ये जो है PHP के थ्रू बना हुआ है, पर जब आप इसका कोडिंग देखेंगे तो इसमें सिर्फ आपको HTML की कोडिंग दिखाई देगी। PHP का ये जो टैग है वो गायब हो जाता है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और विजिट करिए onlinecode.in फॉर मोर इन्फो। थैंक यू।